हमारे पास दो पैनल है, दोनों को सीरीज कर लिया तो क्या बैटरी को भी सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा? तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आपको बता दूं, अगर आपने दो पैनल लिया है, दोनों को अगर सीरीज किया तो आपका वोल्टेज बढ़ गया होगा, और जाहिर सी बात है इन्वर्टर पे जो है, दो पैनल लो या कितना भी पैनल लो, आप अपने वोल्टेज को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है आपका इन्वर्टर में जो इनपुट होगा तो वो 12 होगा लिखा रहता है, इनपुट वोल्टेज 12, और बैटरी का भी इनपुट वोल्टेज 12 लिखा रहता है, लेकिन आप पैनल वहाँ 12 नहीं लगाना है, आपको आपको लगाना है 15 से लेके 22 तक लगा सकते हो उस इन्वर्टर में, ठीक है, लिखा रहता है 12। आप जो पैनल लगाते हो ना, तो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज काउंट करते हो वहाँ पे आप, तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज जो लगाना है वो 15 से 22 का होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे इस बैटरी में लगाना कितने, 12 वोल्ट का बैटरी। तो वैसे ही आप पैनल जितने का लगाओगे ना, आपको वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा बैटरी का भी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप पैनल का सीरीज कर रहे हो तो बैटरी को भी आपको सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि ऑन ग्रिड का सिस्टम लगाने के लिए कौन सा पैनल यूज करें? तो भाई आप कोई सा भी पैनल लगाओ ऑन ग्रिड में आप यूज कर सकते हो, चाहे आप पॉलीक्रिस्टलाइन लगाओ, मोनोक्रिस्टलाइन लगाओ, या कोई भी लगाओ, आप बाईफेसियल लगाओ या फिर मोनोपर्क लगाओ, तो कोई भी आप पैनल लगाओ आप ऑन ग्रिड में यूज कर सकते। तो लेकिन जो मैक्सिमम बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उस प्लांट में पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन यूज किया जाता है। जी हाँ, दो तरह के पैनल यूज किए जाते हैं बड़े बड़े प्लांट में। अलग से एक वीडियो बनाया हूँ दोनों के बारे में, डिफरेंस बताया हूँ पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन का, मैंने अपलोड भी कर रखा है दोनों में डिफरेंस क्या डिफरेंस है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पैनल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अलग अलग तरीके से, करंट को, वोल्टेज का, साइज को लेकर अलग अलग तरीके का मैंने अपलोड करा है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है कि सोलर पैनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन लिखा है। अगली बार से मैं नोट करूंगा कि आप जो कमेंट करते हो तो आपका नाम भी मैं बोलूं वीडियो पे कि आपने कौन है जो कमेंट कर रहे हैं किस वीडियो पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सॉरी इसके लिए कि मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि नाम मैंने लिखा नहीं था। तो आपका पैनल काम नहीं कर रहा है, चार्ज सही से नहीं कर रहा है, तो दो तीन फॉल्ट हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा हुआ होगा। पहला तो ये कि आपका जो कनेक्टर है, कनेक्टर को खोलो, उसे थोड़ा सा साफ कर दो और फिर से उसे लगाओ, सारा कनेक्शन फिर से करो, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है। दूसरा, आपका जो एंगल है, एंगल आपने सही नहीं लगाया होगा, क्योंकि जो ऐसा नहीं कि आप ईस्ट से वेस्ट कहीं भी रहो तो आप सेम एंगल पे लगाओ, या फिर नॉर्थ से साउथ कहीं भी रहो आप सेम एंगल पे लगाओ, तो एंगल चेंज होते हैं, तो आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लगाते हैं। इस एंगल से रिलेटेड मैंने दो वीडियो अपलोड किया, एक वीडियो में मैंने बताया है कि एंगल क्यों लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए सर इसके बारे में, और दूसरा वीडियो में मैंने एंगल चेक करने के लिए बताया है कि किस तरह से एंगल चेक करें कि कितना एंगल आपके पैनल का है, ठीक है, आपने कितने एंगल पे आप पैनल लगाए हो, तो एंगल का आपका फॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इन्होंने जो बोला है कि दो अलग अलग वाट का पैनल को हम कनेक्शन कैसे करें, सीरीज में करें या पैरेलल में करें। तो भाई पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम दो अलग अलग वाट के पैनल को कनेक्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली ये पूछ लिया कौन सा कनेक्शन करें, तो पहले आप इसको समझो कि कनेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने जो कमेंट करा तो मैं कमेंट में देखा कि चार क्वालिटी का पैनल इसने यूज कर रहा है, 550 वाट का कर रहे हैं, 100 वाट का कर रहे हैं, 150 वाट का कर रहे हैं और 200 वाट का कर रहे हैं। तो इतने अलग अलग वेरिएंस में अगर पैनल का आप यूज करोगे और साथ में आप कनेक्शन भी कर दोगे इसका, तो पावर का लॉसेस तो होना ही होना है इसमें। आप इतना याद रखो कि कभी भी आप दो अलग वाट के पैनल का यूज करोगे देन वहां पावर का लॉसेस होगा ही होगा। इसीलिए कभी भी आपको पैनल का कनेक्शन करना है तो सेम वाट का पैनल अलग यूज करो। अगर डिफरेंट वाट का पैनल है, याद रखना डिफरेंट वाट का सिर्फ बोला हूँ, यहाँ पे वोल्टेज और करंट में भी फर्क हो सकता है। अगर आपने वोल्टेज में करंट फर्क दिया या करंट में फर्क दिया तब भी नुकसान होगा, और कैसे होगा इस आप उस वीडियो को जरूर देखना, जरूर से जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में आप माइंड क्लियर हो जाएगा कि करने से क्या फर्क पड़ता है इस सीरीज में, क्या फर्क पड़ता है पैरेलल में, दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा।